आज हम बनाने वाले हैं लैंडस्केप पेंटिंग। नाइट सीन है, यहाँ पर हम माउंटेन ड्रॉ करते हैं। पेंसिल से लाइट लाइट ड्रॉ कर लेने का है, सिर्फ माउंटेन ड्रॉ करने वाले हैं, बाकी हम सब कलर से करने वाले हैं। ऊपर के साइड में ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी बहुत दूर है, ऐसे दिखाने के लिए छोटे माउंटेन ड्रॉ किए, इस टाइप से ड्रॉ कर लेना। इसके बाद ये हमारे पास कलर है, ब्लैक कलर, पर्शियन ब्लू, मैग्नीज ब्लू, सेरेलियन ब्लू और वाइट कलर इसका यूज़ किया। पानी है, वाटर, और एक क्लॉथ है ब्रश पोछने के लिए। सबसे पहले हमें ब्रश धो लेने का है, पोछना है उसे हल्के हाथ से, और ब्लैक कलर ऊपर से एक डायरेक्शन से लगाना है। ब्लैक कलर ब्रश को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़ के एक साइड से ही कलर्स लगाना है। फिर पर्शियन ब्लू को लेंगे और उसके अंदर मर्ज करेंगे, एक दूसरे में मर्ज करना है। पर्शियन ब्लू बहुत देर सूखने नहीं देना है, नहीं तो कलर सूख जाने के बाद मिक्स नहीं होगा। उसके बाद मैग्नीज ब्लू, ऐसे यहाँ पर हम चार शेड का यूज करने वाले हैं। वापस ब्रश पोछना है, फिर नेक्स्ट कलर्स इस टाइप से लेना है और माउंटेन के ऊपर ऊपर लगा देना है। मर्ज करना है अच्छे से, ब्रश धोना है और फिर पोछना है और फिर एक दूसरे में मर्ज करना है। पूरा एक ही डायरेक्शन में ब्रश स्ट्रोक चलाना है। अब ये हो जाने के बाद अब हम पर्शियन ब्लू कलर से बड़ा वाला जो माउंटेन है उसको कलरिंग करेंगे। प्लेन कलर करना है, यहाँ पे हम शेडिंग नहीं कर रहे, प्लेन प्लेन लगाने के हैं। प्लेन कर लेने का, शेडिंग नहीं करना। इसके बाद मैग्नीज ब्लू और फिर उसके बाद हम सेरेलियन ब्लू दोनों कलर का यूज करेंगे। हमारे पास दूसरे जो भी ब्लू कलर है उसका भी यूज हम कर सकते हैं, हमारे पास ये वाले शेड है इसलिए हमने इस टाइप के कलर यूज किया है। एक्रेलिक कलर है वाइट और सेरेलियन ब्लू को मिक्स कर लेने का है, थोड़ा सा लाइट शेड बना लेंगे। और जो पीछे का माउंटेन है थोड़ा सा दूर है, ऐसा दिखाने के लिए यहाँ पर हम कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी छोटे ब्रश से, बड़ा काम बड़े ब्रश से, छोटा काम छोटे ब्रश से। नीचे में हम ब्लैक कलर पहले लगा लेंगे, वापस इसी सीक्वेंस में हम बाकी कलर्स भी लगाएंगे। यहाँ पे ब्लैक कलर ये लग जाने के बाद उसे अच्छे से मर्ज कर लेने का है, उसके अंदर पर्शियन ब्लू को लगाना है, फिर मैग्नीज ब्लू को और सेरेलियन ब्लू को। ऐसे हम चारों शेड का यूज करके एक दूसरे में मर्ज कर लेंगे। कलर को ब्रश में अच्छे से मिक्स करना होता है, बहुत ज़्यादा पतला भी कलर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, तो उसका परसेंटेज हमें ध्यान देना पड़ता है दोनों का मिक्सिंग अच्छे से करने के लिए। और बहुत ज़्यादा ब्रश में कलर रह गया तो उसे पोछ लेना होता है मिक्स करते समय, ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है। इस टाइप से और एक ही डायरेक्शन में ब्रश घुमाना है, नीचे भी सेम एज इट इज वैसा ही कर लेंगे। ये वाला हो जाने के बाद यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, मून ऊपर बाद में लास्ट में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर वाइट कलर से इस टाइप से रिफ्लेक्शन दिखाना है। ये हो जाने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा लैंड पार्ट, नीचे का जमीन का पार्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने कलर को मिक्स कर लिया है दो शेड को, और नीचे में ब्लैक कलर
इस टाइप से ब्लैक कलर और लैंड वाला पार्ट मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी बाद में ग्रास भी बनाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से ड्रॉ करते करते नीचे लाना है और इस टाइप से ट्री ड्रॉ कर लेने का है। नाइट का सीन है इसलिए इसी टाइप से हम ट्री ड्रॉ करते हैं। इसी टाइप से बनाएंगे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, टाइप से करते हुए पूरे ट्री को बना लेने के बाद नीचे थोड़ी सी ग्रास बना लेंगे। नीचे से ऊपर की ओर ब्रश चलाना है, नीचे से ऊपर की ओर ब्लैक कलर से। ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ छोटा सा मून और थोड़े से स्टार तारे भी ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे डॉट ड्रॉ, बहुत दूर है इसलिए छोटा, थोड़ा पास में है इसलिए बड़ा। तो इसी टाइप से हम एक सुंदर सा लैंडस्केप पेंटिंग बना सकते हैं। आपको पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।